हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक, जैसे कि आप जानते हैं थंबनेल देख लिया होगा कि स्किन रिटचिंग पे होने वाला है कि भाई स्किन को रिटच कैसे करें, पर फोटोशॉप में हम रिटच करेंगे इसको पीसी में। ओके, मेरे पास है एडोबी का फोटोशॉप CS6, तो उसे भाई रिटच करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ को लाते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ फ़ोटो जो मेरे को सिलेक्ट करना है। वीडियो लंबा होगा भाई, बिल्कुल भी स्किप ना करना, समझ रहे हो? अगर थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो भाई मिस हो जाएगा सब, फिर से आपको देखनी पड़ जाएगी, तो टाइम का वेस्टेज होगा। और यही आप 10 से 15 मिनट की वीडियो भी पूरी देख लोगे तो मज़ा ही आ जाएगा, आप कंप्लीट प्रोफेशनल रिटचिंग करने लगेंगे। सबसे पहले हम जो स्टेप है वो करने वाले भाई पिंपल्स को रिमूव, मतलब जो ब्लैमिशेज हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, इन्हें करेंगे रिमूव। तो यहाँ पे हीलिंग ब्रश वाला हीलिंग टूल है, इसमें मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ उन्हें आपको करना है बिल्कुल फॉलो। ओके, तो यहाँ पे देख लें, और कंट्रोल जो प्लस है ना उससे जूम आउट होता है, एंड कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है, कंट्रोल माइनस से एंड जूम प्लस, सॉरी, कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन एंड कंट्रोल माइनस फॉर जूम आउट। सो क्या करना है भाई, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डुप्लीकेट लेयर पे काम करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे मैं अपना बिफोर आफ्टर भी चेक कर सकता हूँ, एंड अगर कुछ लगता है मेरे को थोड़ा नकली सा या फेक कौन सा, तो यहाँ पे ओपेसिटी भी हम चेंज कर सकते हैं, फिर कम कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ हीलिंग टूल पे, क्लिक कर चुका हूँ, और यहाँ पे मेरे को सिर्फ अपने जो ब्लेमिशेज हैं उन पे करने हैं टैप 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 एंड सी द मैजिक डूड। और सुनो मेरी बात, पहले वीडियो को रोक लो एंड भाई चैनल को लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो। हाँ, जो बढ़िया से कमेंट करेगा ना, जो बढ़िया बढ़िया कमेंट करेगा वो मेरे इंस्टाग्राम पे, मतलब क्या बोलूँ यार, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बढ़िया बढ़िया कमेंट करना, जो भी कमेंट जिसका मेरे को अच्छा लगा उसे मैं मैसेज करूँगा, और इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर देना, जिसे भी फ़ोटो एडिट करानी है बिल्कुल फ्री में, बस जब ये वीडियो डालूँगा उसके 24 घंटे के अंदर अंदर, बस। और कमेंट अच्छे जो करेगा उसको मैं अपने आप से मैसेज करूँगा कि भाई मैं तेरी कर दूँगा ये वो। ठीक है, तो भाई कमेंट भी कर देना बढ़िया बढ़िया, अगर कोई गलती है तो वो भी बताना, एंड जो दाने हटाने, मतलब जो ब्लेमिशेज हटाने वो टैप टैप करके हटाने हैं। ओके, तो वीडियो देखो एंड भाई थोड़ा सा भी स्किप ना करना, क्योंकि फिर सब गुल हो जाएगा, समझ रहे हो? ये भाई इस तरीके से हमें सिर्फ टैप टैप करना है, और ये पिंपल्स रिमूव हो रहे हैं रिमूव पिंपल्स। यहाँ पे मेरा माउस इस वजह से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पता नहीं माउस का जो ऑप्शन था जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो वो हुआ ही नहीं, पता नहीं माउस नहीं आ रहा था। तो ये हो रहा है भाई, ये ब्लेमिशेस देख सकते हैं आप, मैंने कितना जूम इन किया है कंट्रोल प्लस से, तो ये सारे के सारे इतने भी दाने भाई, वो मतलब जो ब्लेमिशेज हैं वो जा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि यही जो ब्लेमिशेज हटाना एंड कंप्लीट रिटचिंग, स्क्रीन रिटचिंग अगर आप फ़ोन से चाहते हैं, तो फ़ोन के लिए भी भाई लेंगे सेपरेट वीडियो, वो अलग चीज़ है, वो 2 से 3 ऐप के अंदर हम करेंगे, बट ये सिंगल ऐप के अंदर ही हो जाता है, फोटोशॉप CS6 के अंदर। ओके, तो भाई क्या करेंगे, या बैकग्राउंड को भी बन रखे अपने अच्छे से, सब रिमूव हो चुका है, ये आप अपने अकॉर्डिंग रिमूव कर सकते हो। मैं जो ब्लैक साइड है डार्क साइड वाला मैं कुछ भी छेड़ा खाने नहीं करूँगा, क्योंकि यार मैं तो पिंपल जो ब्लेमिशेज है उसे रिमूव करने के लिए मैं तो मतकार था। और जो दाढ़ी वाली जगह होती है ना, बाल बाल हेयर वाले, उस पर ना बिल्कुल भी नहीं करना है पेंट, बिल्कुल भी नहीं करना है टैप टैप, क्योंकि वो बेकार कर देगा पूरे आपके फ़ोटोज़ को। ओके, फ़ोटो को बर्बाद कर देगा। एंड उसके बाद क्या करना है भाई, यहाँ पे आना है, अब हम करेंगे स्टेप 2। ओके, तो स्टेप 2 के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये वाला पेंट ब्रश वाला, इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे मिक्सर ब्रश टूल को ले लेना है, और जो ब्रश लेना है वो सॉफ्ट वाला लेना है, जो फर्स्ट वाला है ना हार्डनेस को कर देना बिल्कुल 0, और जो ओपेसिटी है यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना है यहाँ पे, एंड ये वाला ऑप्शन बंद रखना, उसके जो बगल वाला ऑप्शन है कस्टम के बगल वाला उसे चालू रखना, और उसके बगल वाला ट्रांसपेरेंट के बगल वाली को बंद, एंड जो वेब है उसको वेट को 15% करो, लोड को 15% करो, मिक्स को 15% करो, एंड जो फ्लो है उसको 15% करो, एंड फ्लो के जो बगल वाला ऑप्शन है साइड वाला ऑप्शन उसे कर दो बंद डिसेबल, एंड सैम्पल ऑल लेयर्स पे क्लिक कर देना, एंड उसके बाद एक एम्प्टी लेयर बना लेना। लेयर में हम काम करेंगे, वहाँ पर ओपेसिटी की वजह से हम लेयर में काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे ब्रश चलाना चालू कर दे, ब्रश आपको इस वजह से दिखेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था माउस में यहाँ पे दिक्कत हो रही है, एंड ब्रश आपको कैसे चलाना है बिल्कुल जैसे कहीं पर आप करना है, तो सबसे पहले वहाँ पर टैप करना है राइट क्लिक,
राइट क्लिक के बाद आपको वहाँ पे हल्का सा वाइब्रेशंस देनी है, वाइब्रेशंस करनी है, मतलब आगे पीछे करना है। एंड जो यहाँ पे डायरेक्शंस वाला पोर्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन आगे माथे के नीचे, तो वहाँ पे डायरेक्शंस ही लेनी है। ओके, जैसे नोज़ बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, साइड से स्ट्रेट है, तो नोज़ में बिल्कुल सीधा ही सीधा लेना है। और यहाँ पे ये कर्व है, तो यहाँ से कर्व भी लेना है, वरना अगर ऐसा नहीं करोगे तो फोटो बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कलर लेना है ना। आपको मैं एंड ऑफ द वीडियो में भाई बिफोर आफ्टर भी दिखाऊंगा, तो यार तुम देख के ना चौंक जाओगे, बिल्कुल चौंक जाओगे। काफ़ी कमाल की ट्रिक है, एंड भाई कमाल की ट्रिक है, इसे यूज़ करना। और मैं इंस्टाग्राम पे भी एल वी पिक्चर्स नाम से, तो भाई वहाँ पे भी जाके ना अगर आप मेरे को मेंशन करोगे अपनी स्टोरी में, पोस्ट डालोगे वहाँ पे, मेंशन करते हो या फिर मेरे को मेंशन करते हो, ओके, तो मेंशन करते हो, अगर मेरे को फोटो आपका अच्छा लगा तो मैं लाइक भी करूँगा, अपनी स्टोरी पर भी लगाऊँगा, ओके, अगर मेरे को आपका काम अच्छा लगता है तो। और ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए भाई मेरे चैनल पर बने रहे, एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार, समझ रहे हो, सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़े लगते हैं, गरीब की दुआ लगे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपने हमारी वीडियो और नहीं देखी है तो और भी देख लेना भाई, अच्छी अच्छी वीडियोस डालते हैं हम, बट स्किप एक भी मत करना, क्योंकि हम हर वीडियो में बढ़िया बढ़िया ज्ञान फैलते रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते भाई स्किन में कितना टच किया है मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो राइट पोर्शन है लेफ्ट पोर्शन में आपको बिल्कुल फ़र्क सा दिख जाएगा। एंड ऑफ द वीडियो में आप बिल्कुल चौंकने वाले हो कि क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, समझ रहे हो। यहाँ देख सकते हैं ब्लेमिश भी अच्छे से रिमूव कर दें, यहाँ पे रिटच भी कर रहे हैं हम, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएं। एंड बीच बीच में आप जूम इन जूम आउट करके भी फ़ोटो को देखें कि ओवरऑल फ़ोटो ठीक लग रही है या नहीं, ओके। तो इसको देखें, इस तरीके से आपको बिल्कुल करना है। तो यहाँ पे ये भाई हो चुका है अच्छे से, और यार कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आगे आपको किस चीज़ के वीडियोस चाहिए, या फिर किस टॉपिक पे मैं मतलब ट्यूटोरियल लाऊं किस चीज़ पे, तो वो भी बता सकते हैं। मेरा सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। और अपने अतरंगी सतरंगी दोस्त, मतलब इजी क्वेस्ट जो एडिटर्स फ्रेंड हैं, उनको भी शेयर करें, और भाई ज़्यादा से शेयर करें, जिससे यूट्यूब इसको रिकमेंडेशन मिले, और जितने भी हमारे भाई उन सबकी हेल्प हो पाए जो स्किन कंप्लीट स्किन टचिंग पे वीडियो चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि मुझसे अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं एडिटिंग में, बट मैं भी सीख के सिखाता हूँ, तो यार थोड़ी सी मेरी भी हेल्प करना, कि मेरे गोल रखता हूँ कि यार इस वीडियो पर तुम 100 लाइक तो करा ही दोगे, बहुत छोटा है, पर मुझे मैं जितना जानता हूँ उतना नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा बस। और 50 सब्सक्राइबर तो 50 और बढ़वा देना, 100 सब्सक्राइबर 100 लाइक्स करवा देना बस इस वीडियो पर, समझ रहे हो ना, करवा देना यार, ठीक है। और यार इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना भाई को, तुम्हारा भाई तुम्हें फॉलो बैक भी कर देगा, समझ रहे हो। यहाँ देख लो यार फ्री टचिंग करिए। हाँ, और एक चीज़ और बता दूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बताना भूल गया वीडियो की स्टार्टिंग में बताना चाहता, बट एंड ऑफ द वीडियो में बता रहा हूँ भाई, ये फ़ोटो ना फ़ोन से खींची हुई है, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए फ़ोन से बढ़िया बढ़िया बेहतरीन कैसे फ़ोटोज़ क्लिक करें मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप मुझसे भी अच्छी क्लिक करते हैं तो यार किस बात की देर है, मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग करो, मैं आपके पिक्स को देखूंगा, एंड हो सकता है कि मैं आपके पिक्स को एडिट भी करूं एंड अपने चैनल पे अपलोड करूं आपके फ़ोटोज़ को, कहीं ना कहीं एडिटिंग में यूज़ लाऊं आपके फ़ोटोज़ का, या और भी कुछ। अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो अगर एडिट करते तो इंस्टाग्राम पर मेरे को DM करें, एंड एक दूसरे के सपोर्ट से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी भाई चपलता वाली पेड प्रमोशन। तो यहाँ पे आप वीडियो देखो यार, मतलब क्या ये रिटचिंग हुई है, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है, समझ रहे हो, और बिल्कुल नेचुरल सा लग रहा है, फेक बिल्कुल नहीं लग रहा, बट इसे और नेचुरलिस्टिक दिखाने के लिए यहाँ पे हम भाई ओपेसिटी को बिल्कुल वी करेंगे 70-80 लाएंगे, 70-80 लाएंगे। देखो जूम इन मैंने करा यार, क्या ही सही लग रहा है, देख रहे हो क्या ही सही लग रहा है। वही ऑन द अदर हैंड की आप लेफ्ट साइड देखे, कितना सही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। वहाँ मैंने इस वजह से एडिट नहीं किया, क्योंकि वहाँ मज़ा भी नहीं आता, एंड बिकॉज वहाँ पर शेडोज है तो नहीं हो पाता कुछ इतना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ़र्क देख सकते हैं,
और बिल्कुल भी इसको हेयर्स पे बिल्कुल यूज़ ना करना भाई, ये तुम्हारे ऐसे तैसी कर देगा। एंड दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना, ये जो ऑप्शंस हैं ये ट्रांसपेरेंट रहें, उसके जो साइड वाला ऑप्शन है वो डिसेबल रहे, एंड उसके साइड वाला जो है वो इनेबल रहे। इन कस्टम के बगल वाले जो वेट है, लोड है, मिक्स है एंड फ्लो 15% इनकी रहना चाहिए, एंड उसके साइड वाले ऑप्शन को डिसेबल रखें। सैम्पल ऑल लेयर्स पे क्लिक करें, जैसे जैसे हमने वीडियोज़ में स्टेप फॉलो करें, मैंने फॉलो करें, वैसे तुम भी करना, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से कंप्लीट रिटचिंग हो गई है, ओवरऑल फोटो बिल्कुल झकास लग रही है। पता है मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, पर मैं बड़ा खेल रहा हूँ जिससे आप बोर ना हो। अगर बोर हो तो कमेंट कर देना, समझ रहे। अब इसको कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भाई, ओपेसिटी कम देख लो। अब ओपेसिटी कम ज़्यादा का भी जादू दिखाता हूँ, मतलब मैं ओपेसिटी जीरो भी करके दिखाऊंगा, देखो क्या ही फ़र्क लगता है इसमें। मैं अभी आपको जितने भी ये मैंने लेयर्स क्रिएट करे हैं तो उसको बंद और चालू करके भी दिखाऊंगा, फिर बिफोर आफ्टर भी दिखाऊंगा, क्योंकि फोटोशॉप में बिफोर आफ्टर देखने का यही एक तरीका है, बस यही एक तरीका। और कोई होगा तो भाई मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरे को इतना नहीं आता, मैं अभी आपको सीख के सिखाता हूँ कहीं ना कहीं से, मैं ये चीज़ ओपनली बोलता हूँ, ठीक है। और ये ना मैं फ़ोटो इस वजह से लाया था ये वाली, क्योंकि आपको मेरे को डैमेज हटा के दिखानी थी बस, और कुछ इसका मोटो नहीं था भाई। सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। ओके, संग दाल खाओ, चीनी खाओ, भटूरा खाओ, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब कर दो। और तुम्हारा जो एक कमेंट होता है ना, प्यारा सा कमेंट भाई, तुम्हारे भाई का दिन बना देता है, समझ रहे हो। एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ के जाना, चाहे मतलब वीडियो में जैसा आपको लगाओ कि बकैती बिल्ला है फिर जो भी है, तो भाई उस हिसाब से बताना। एंड फाइल जो है उसे मैं कर लेता हूँ सेव, एंड मिलते हैं फिर किसी अगली कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।